नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त एक खुशखबरी हम आपको बताएंगे। दरअसल राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है सरकार की तरफ से यहां पर लागू कर दी गई है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ओपीएस एनपीएस का लगातार हम लोग जिक्र करते थे लेकिन अब यूपीएस को भी लागू करने की तैयारी चल रही है। ओपीएस के साथ साथ अब तमाम चीज़ों का जो फैक्टर है उसका लाभ मिलता हुआ अब नजर आने जा रहा है। यानी कि इसमें जो हम आपको बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से स्पष्ट होते हुए साफ नजर आएंगे कि अब जो कर्मचारी हैं उनकी अगर हम पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो पेंशन पहले कई अलग अलग फैक्टरों के हिसाब से पेंशन दी जाती थी कि इतने परसेंट। लेकिन अगर आप 25 साल की नौकरी को पूरा कर चुके हैं यानी कि 25 ईयर्स अगर आपने वर्किंग किया है उस कंपनी में यानी कि उस सरकार के अंडर आपने काम किया है तो उसके तहत आपको लगभग 50% यानी कि 12 महीने का जो आपका पे स्केल बनता है उसकी 50% जो है वो आपको पेंशन के तौर पर मिलने जा रही है। अगर आपने 10 साल पूरे किए हैं अपनी नौकरी में तो आपको 10,000 रुपये मासिक रूप पर पेंशन जो है वो भी दी जाएगी। अब इसमें इतने सारे पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। मेरे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी इसमें अपडेट देंगे कि कर्मचारियों को आखिर फायदा क्या होने जा रहा है। गौरव, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जिस हिसाब से अगर हम बात करें निश्चित तौर पर जो सरकार की तरफ से ये यूपीएस और एनपीएस इन दोनों को लेकर बड़ा मतभेद था अवैध कर्मचारियों को लेकर, लेकिन जिस हिसाब से अभी सरकार ने एनपीएस को मॉडिफाई करके अपडेट करके यूपीएस लाया है इसमें ये है कि जो कर्मचारी हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जिस हिसाब से ओपीएस जो था पुरानी थी जो 2004 में बंद कर दिया गया था वाजपेयी सरकार के द्वारा, 2023 में कमेटी गठन की गई थी टीवी सोमनाथन की जिसकी रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट में मोहर लगाई गई कि जैसे कि एक है कि जैसे 25 साल तक अगर कोई कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है सरकारी कर्मचारी है तो उसकी जो बेसिक सैलरी लास्ट के 12 महीने रहेगी उस बेसिक सैलरी का 60% हिस्सा पेंशन के तौर पर आएगा और उसके बाद 60% हिस्सा अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद रिटायर होता है तो उसको 10,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाएगा। इसमें डीए का भी है कि वो 18 महीने बाद ऐसे कुछ करके बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है जो सरकारी कर्मचारी से 23 लाख जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी उन पे ये जो यूपीएस लागू किया गया तो सीधे असर पड़ता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा पहल है कि कर्मचारियों की फ्यूचर को सिक्योर करने का जो ये कदम है उसको उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं। इसमें खास बात ये भी है कि इसे हम आपको बता दें कि अगर आप 25 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगा, उससे कम रहेगी तो आप उस श्रेणी में नहीं आएंगे। यानी कि आपको 25 साल पूरे करने पड़ेंगे तो आपकी जो 12 महीने की सैलरी बनती है उसका 50% आपको जो है वो यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगर आप 10 साल पूरे करते हैं तो 10 साल में आपको सिर्फ 10,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आ रही है लेकिन खास बात यह है कि अगर इसमें दुर्भाग्यपूर्ण आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये पैसा जो है वो आपके परिजनों को दिया जाएगा। परिजनों को वो पैसा दिया जाएगा जो जितनी पेंशन मिली उसकी 60% हिस्सा परिजनों को दिया जाएगा। उसके बाद हर 18 महीने पर वेतन जो बढ़ोतरी होती है नॉर्मल सरकारी कर्मचारियों को बढ़ोतरी और डीए को ऐड करके भी पैसा और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिजनों को भी ये लाभ रहेगा कि जो पेंशन का एक अमाउंट होता है वो फिक्स अमाउंट हो जाएगा, वो उतना अमाउंट ही आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली ही आपके पास पेंशन के तौर पर आएगा जिससे कि जब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आप रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेंशन का जो लाभ है वो एक फिक्स अमाउंट के तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो सरकार बड़ी सोच समझ के यहाँ पर निकाल रही है लेकिन गौरव खास बात ये भी है कि अब जब ये चीज फैक्टर सामने आया तो कहना कि कर्मचारियों को इससे लाभ होगा वो खुश होते हुए नजर आएंगे एक सौगात के तौर पर माने हम। जी निश्चित तौर पर जिस हिसाब से कर्मचारियों को अभी जैसे कल इसको लेकर जब सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान दिख रही। कर्मचारियों को ये है जिस हिसाब से ओल्ड पेंशन खत्म होने के बाद एक निराशा थी कि कहीं हमें हमारे आगे के जीवन के लिए हमें पैसा ना हो कि हम अब देखिए परिवार को लेकर कई तरह की मुसीबतें रहती हैं। जब आज के समय में आप देखिए कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बेटे पिता को अलग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस प्रकार की स्कीम सरकार की तरफ से लाना सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही जरूरत थी इस प्रकार की स्कीम को लेकर। जिस हिसाब से सरकार ने ऐसे पहल किया है मुझे समझे लगता है कि सरकार की जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं अपने अपने तौर से। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो सरकार ने एक बेसिक जो जरूरत की चीजें होती हैं उसका खर्चा जो वह करने का होता है वो सरकारी कर्मचारियों को उसके एक परिवार अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप रिटायर ही होते हैं 60 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद बच्चे भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं तो सिर्फ एक पति और पत्नी रहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि सैलरी का 60% हिस्सा अगर पेंशन के तौर पर मिल रहा है तो वो एक जीवन यापन के लिए सही पैसा होता है। मतलब एक खर्चे के तौर पर आप खर्चा हो या खाने पीने का खर्चा हो
वो आपका आराम चल सकता है उस अमाउंट में। तो ये सरकार की तरफ से काफी अच्छी कोशिश भी है, एक पहल भी यहाँ पर की गई है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी ओपीएस को लेकर तमाम चीजें यहाँ पर कही जाती थी, ओपीएस को लेकर तमाम विवाद भी देखने को मिले थे, लेकिन वो भी मामला सुलझता हुआ नजर आया। अब यूपीएस का मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, तो कहना कि इससे कर्मचारियों को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि जब आपके जो आपकी बेसिक सैलरी आती होगी, यानी ग्रॉस सैलरी जो आती होगी पर मंथ की, उसमें से कुछ परसेंट कटता है, वो 8 से 10% आप सरकार को उसमें सहयोग करेंगे। जब आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा वो लगभग 18% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, जब आप पेंशन के तौर पर उसको लेना शुरू कर देंगे, इससे भी आपको फायदा मिलने जा रहा है। तो यानी कि सरकार की पूरी कोशिश यही है कि आपका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यानी कि सरकार प्रयास कर रही है। अब जब आपका एक फिक्स अमाउंट आपके पास हर महीने आया करेगा, तो कहना कि आपके लिए आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। तो एक नई पहल, और जिस तरीके से हमारे गौरव ने हमारे सहयोगी ने बताया तमाम चीजें, कि एक अच्छी चीज जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरी तरीके से लागू की गई है। तो गौरव, लेकिन अगर इसको ये देखें कि जो फ्यूचर सिक्योरिटी की आप लगातार बात कर रहे हैं, उसमें भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, आने वाले समय में ऐसी कुछ और स्कीमें भी आ सकती है जिससे और फायदा होगा? जी निश्चित तौर पर सरकार अपने स्तर से हर कार्य वो कर रही है जिससे अपने कर्मचारियों का, क्योंकि देखिए अभी के जो हाल फिलहाल के जो कई घटनाएं ऐसे निकल के सामने आती है जिसमें परिवार के बूढ़े बुजुर्ग को लोग घर से बाहर निकाल देते, ऐसे में सरकार अपने उन कर्मचारियों का ध्यान रखने में विशेष तौर पे जोर दे रही है जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर है। आप देखिए न सिर्फ उनके लिए बल्कि जो बूढ़े लोग हैं गांव में, आप देखिए कि ग्रामीण स्तर पर भी सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है, वृद्धा पेंशन करके चला रही है, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार यूं कहे कि अपने अपने स्तर पर सबको चाहते हैं कि जो बुजुर्गों का बुढ़ापा है वो किसी वृद्धाश्रम में ना गुजर बसर करके वो अपने घर द्वार में ही करे। तो ऐसे में लेकर सरकार जिस हिसाब से इस प्रकार की कोशिशें कर रही हैं अपने कर्मचारियों को लेकर या यूं कहें कि बुजुर्गों के भविष्य को लेकर, निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य सरकार का। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तमाम चीजें यहाँ पर लाई जा रही हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर भी आएगा कर्मचारियों को, चाहे हम पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं या फिर वृद्ध अवस्था पेंशन जो है वो भी यहाँ पर लाई गई थी, और भी तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से लाई जाती है। कोशिश पूरी यही रहती है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो बुजुर्गों को भी मिल पाए, क्योंकि बुजुर्गों के सामने रोजी रोटी के लिए संकट काफी बड़ा खड़ा हो जाता है कि जब वो परिवार से बेदखल कर दिए जाते हैं। तो गौरव, कहना कि वृद्धावस्था पेंशन का भी हम जिक्र कर लेते हैं, उसका भी लाभ जो है वो काफी मिला था। जी जी जी, उसमें भी एक सरकार ने अपने तरीके से, आप देखिए कि सरकार का एक वो भी था कि क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड लेके जो सरकार आई थी, तो आयुष्मान योजना भी था उसमें 5 लाख तक का। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बुजुर्गों के लिए वो लाना चाहती है कि जो जिनके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के बुजुर्ग हैं, उनको कम से कम रियायत मिल सके, ताकि उनके जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, जो स्वास्थ्य से उनको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सरकार आयुष्मान योजना लेके आई थी। ग्रामीण स्तर पर देखिए कि ग्राम प्रधान के स्तर से हम पंचायत की बात करें, तो उसमें सरकारें अपने अपने जैसे अटल योजना, अटल पेंशन योजना चलती है यूपी में, उसमें 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये ऐसे गरीबों को दिया जाता है जो उस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी बनाई गई है। तो ऐसे सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि चीजें बुजुर्गों का जो जीवन है वो सिक्योर कर जा सके, क्योंकि बुजुर्ग उस समय व्यक्ति के अंदर उतना जान नहीं रहता है कि वो किसी के पास जाए काम करे या काम करने की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर सिक्योर किया जा रहा है। तो बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योरिटी की बात जो आ रही सरकार की तरफ से यहाँ पर ली गई है, और जो ये स्कीम लेकर आई है सरकार, इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ज्यादा खबरों के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जरूर देखें। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।